एक तरफ सियासत में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले धामी क्रिकेट के पिच में चोटिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ हरदा का ये अद्भुत अंदाज देखने को मिला। 5 महीने से सूबे में ताबड़तोड़ सियासी बल्लेबाजी करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेट के मैदान पर भी उतरे, पर इस खेल को खेलते हुए सीएम खुद को चोटिल कर बैठे। इस मैच में उन्हें एक चोट लगी थी जो रात होते होते बढ़ गई और उनके हाथ में सूजन दिखने लगी। इसके बाद सीएम एक्सरे कराने के लिए दून अस्पताल पहुंचे। यहां एक्सरे करके डॉक्टरों ने चोट को जांचा और सीएम के बाएं हाथ में 4 सप्ताह के लिए कच्चा प्लास्टर लगा दिया। संभावना है कि इसके बाद कुछ समय तक उनके हाथ पर पक्का प्लास्टर भी चढ़ाया जा सकता है। दून मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत ने सीएम की चोट के बारे में बताया कि फिलहाल खतरे वाली कोई बात नहीं है। सीएम धामी अब जब अपने इलाज के लिए अस्पताल आए तो लगे हाथ उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले लिया। MRI मशीन जो यहाँ नहीं लगी उसे शीघ्र इंस्टॉल करने के सीएम ने निर्देश दिए। सीएम धामी ने मंगलवार को अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में मुख्यमंत्री 11 और भारतीय जनता युवा मोर्चा 11 के बीच हुए मैत्री मुकाबले में शिरकत की थी। उन्होंने इसमें नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैच में मुख्यमंत्री 11 की टीम की कप्तानी की थी और उनकी टीम ने कुल 7 ओवर के मैच में 2 विकेट खोकर 49 रन बनाए। मुख्यमंत्री धामी ने नाबाद 13 रनों की पारी खेली थी। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य की कप्तानी में काफी कोशिशें की, पर 7 ओवर में 1 विकेट खोकर 45 रन ही बना सके। इस तरह से धामी की पारी की बदौलत मुख्यमंत्री 11 ने यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया था। पर इस बीच सीएम धामी चोटिल भी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सियासत के सूरमा कहे जाने वाले हरीश रावत भी क्रिकेट के मैदान में बच्चों के साथ दो दो हाथ करते नजर आए। हालांकि हरीश रावत ने सीएम धामी की तरह हेलमेट पैड ग्लव्स के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ गाँव में जिस तरह पारंपरिक क्रिकेट खेला जाता है उसी का लुत्फ उठाया। सियासत में जहां एक तरफ हरीश रावत सीएम धामी के कामकाज पर पलटवार कर रहे हैं, वहीं धामी भी लगातार कांग्रेस पार्टी एवं हरीश रावत पर सियासी बाउंसर फेंक रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्रिकेट खेलना महज खेल का लुत्फ उठाना है या इसमें भी कोई राजनीति छुपी हुई है। अब देखना ये है कि राजनीति के T22 में कौन सा सूरमाबाजी मारकर सीएम की ट्रॉफी अपने नाम करता है। K24 न्यूज के लिए दीपक के साथ मनन की रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।